नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एनी एकेडमी में। आज की इस वीडियो में सेमी सर्कल्स, इसका मतलब अर्धवृत्त के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास सेवेंथ का ये टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं सेमी सर्कल क्या होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा कंप्लीट सर्कल में बना देता हूं। ये कंप्लीट सर्कल है स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसकी ये सेंटर है और ये इसकी डायमीटर मैंने बना दिया। सो स्टूडेंट, सेमी सर्कल क्या है? यहां पे देखा जाए तो सेमी सर्कल इज ए हाफ ऑफ सर्कल। क्या है? सर्कल का हमारा आधा होता है, सर्कल का आधा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहां पे अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इसका आधा ये दोनों पार्ट हो सकता है हमारा, ये हमारा सेमी सर्कल है। सो इन कंडीशन में स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला हम सभी को पता है, जो सी होता है 2πr होता है, हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियोस में, और जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो इन फॉर्मूला को माइंड में रखना है स्टूडेंट्स। सो इन कंडीशन में ये कंप्लीट हमारा 360 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर हाफ करेंगे तो ये 180 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा डायमीटर है पूरा, ये हमारा सेंटर से आर होता है, जिसे रेडियस हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इन कंडीशन में इसका जो सेमी सर्कल का जो हमारा एरिया होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो मैंने यहां पे लिखा है सेमी सर्कल इज ए हाफ ऑफ सर्कल। इसका मतलब जो हमारा इसका जो एरिया होगा उसमें दो से डिवाइड कर देना स्टूडेंट्स। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, यही हमारा होगा सेमी सर्कल का एरिया। अब उसके बाद बात करते हैं यहां पे सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस जिसे परिधि कहते हैं या पेरीमीटर, कि इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल। सो स्टूडेंट्स, अगर इस कर्व वाले पार्ट की अगर बात करें, इस वाले पार्ट की, तो ये पूरा होता है 2πr। अगर दो से डिवाइड कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, इसका मतलब 2πr डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, हाफ ये मिल जाएगा, और प्लस ये जो हमारा पूरा है डायमीटर, इसको भी जोड़ना पड़ेगा पेरीमीटर के लिए, क्योंकि सम ऑफ ऑल द साइड्स होते हैं। सो यहां पे सिंपली यहां पे हम जोड़ सकते हैं, यहां पे d भी लिख सकता हूं या r प्लस r भी लिख सकता हूं, r प्लस r। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे 2 कैंसिल, 2 अंदर 2, ये हो गया पाई r प्लस, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2r। सो स्टूडेंट्स, यहां पे पाई r प्लस ये 2r, एक्चुअली में क्या स्टूडेंट्स, d बराबर होता है 2r, रेडियस का दुगना होता है, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे ये मिलेगा। सो इसको हम डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेमी सर्कल का पेरीमीटर है, और सभी हम जानते हैं यहां पे आर हमारा रेडियस है और डी हमारा डायमीटर है, ठीक है, सी मैंने लिख दिया है एरिया, और प्लस पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 इसको मानना है। सर्कल्स में ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा रखे हैं। तो ये सेमी सर्कल का टॉपिक था स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस भी कुछ यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट हमने देखा है यहाँ पे, ये फॉर्मूला बना यहाँ पे सी, इसी को पेरीमीटर कहते हैं। तो अगर आर गिवन है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं आप लोग। सो आर इंटू पाई प्लस 2, तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर डायमीटर दिया हुआ है तो ये यूज कर सकते हैं।
तो ये सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट था पूरा स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।